तुम रास्ते पूछते नहीं हो, तुम रास्ते बनाते हो। वो कर रहे दोस्तों, जहाँ ये चीजें उतरेंगी और आप देखोगे द रियलमी। वेलकम बैक टू बॉडी बिल्डिंग टीवी का एक बार फिर से आपका स्वागत है बॉडी बिल्डिंग टीवी पे। तो एक से बढ़कर एक अपडेट्स आ रहे हैं दोस्तों, और सारे एथलीट्स अभी कोई टैनिंग कर रहा है तो किसी ने अपना ट्रंक नंबर लिया और काफ़ी सारे चीज़ें दोस्तों एक के पीछे एक अपडेट्स आ रहे हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखना दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे सुनीत जाधव सर के बारे में। तो फाइनली सुनीत जाधव सर आ गए अमेचर ओलंपिया में, शेरू क्लासिक में। काफ़ी दिनों से ये चर्चा हो रही थी आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि आखिर तक उन्होंने ये इस बात को छुपा के ही रखा कि उन्होंने रिवील खुद से तो रिवील नहीं किया था कि वो आने वाले हैं IHFF शेरू क्लासिक में। बट फाइनली वो आ चुके हैं और काफ़ी तगड़ी उनकी फिजिक लग रही है, स्पेशली उनके जो चीक्स है दोस्तों, उनके जो चेहरे पे ये पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा कंडीशन उनकी फिजिक होने वाली है दोस्तों। अभी तक उन्होंने बॉडी नहीं दिखाई, ना टाइनिंग का और वीडियो दिखाया है, ना ही कोई पिक्चर दिखाई, फोटो दिखाई नहीं है अभी आज के अपडेट में दोस्तों। बट अभी उनकी बॉडी शायद हमको स्टेज पे ही देखने को मिलेगी। बट काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है सुनीत जाधव सर की फिजिक दिखने में, क्योंकि हमेशा कंडीशन आने वाला एथलीट है दोस्तों, टॉप नॉच कंडीशन लेके आते हैं और टॉप नॉच फिजिक भी लेके आते हैं। और इनके ऊपर अपडेट सारे एथलीट्स का, पूरा IHFF ओलंपिया का दोस्तों, जो हर एक अपडेट मैं इस चैनल पर लाऊंगा, तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हर एक अपडेट इस चैनल पर आने वाला है। अब बात करेंगे हमारे शेरा भाई श्याम सिंह शेरा जी की। तो शेरा सर काफ़ी अच्छे कंडीशन और ज़बरदस्त दिख रहे हैं, और उन्होंने अपनी बॉडी का वीडियो भी अपलोड किया टैनिंग करते वक्त। आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी ज़बरदस्त और कंडीशन उनकी भी बॉडी दिखाई दे रही है। उन्होंने अपनी बॉडी का हर एक वीडियो, हर एक अपडेट, हर एक पिक्चर उनके इंस्टाग्राम पर दोस्तों अपडेट किया। किसी भी तरह से उन्होंने हाइड नहीं करके रखी थी बॉडी, और आखिर अभी भी टैनिंग का ये वीडियो उन्होंने अपलोड किया उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे दोस्तों। आप मेक श्योर आप जाके उनके इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिए। और हाँ, उनके 3 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन का कमेंट तो ज़रूर कीजिए दोस्तों। शेरा सर की फिजिक बहुत ज़बरदस्त लग रही है, बस स्टेज पर जाने के बाद देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा दूसरे एथलीट्स के साथ शेरा सर को। अब बात करते हैं हमारे कोर किंग सिद्धांत जायसवाल सर। तो सिद्धांत जायसवाल सर ने अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा हाइड कर लिया है कि थोड़े भी चेहरा भी नहीं दिखाया उन्होंने पूरा। जितने देर तक उन्होंने आए और अपना ट्रंक नंबर लिया, उन्होंने हाइट मेजरमेंट सब दिया, उसके बाद उनको क्लास सी कैटेगरी में उनको जो आया दोस्तों वेट और जो हाइट मेजरमेंट होती है उस हिसाब से उनको सी कैटेगरी में रखा गया है, तो उसी में उनका प्रो कार्ड लगेगा मुझको ऐसा लगता है दोस्तों, क्योंकि उनकी फिजिक काफ़ी अच्छी चल रही है। और अभी उन्होंने आज के दिन तो उनकी फिजिक नहीं दिखाई, और अगले वीडियो में अगर उन्होंने अपडेट दिया तो मैं ज़रूर बताऊँगा दोस्तों उनकी फिजिक कैसी लग रही है। हर एक अपडेट दोस्तों इस चैनल पर आने वाला है हर एक एथलीट का, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। अब बात करेंगे हम अमित पंघाल भाई की। तो अमित पंघाल का 324 नंबर का ये आया है देखो ट्रक नंबर, और काफ़ी ज़बरदस्त इनकी भी फिजिक दिखाई दोस्तों। उन्होंने भी अपना वीडियो शेयर किया टैनिंग करते हुए, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कंडीशन दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छा मसल मास दिखाई दे रहा है। उतनी ज़्यादा साइज़ नहीं दिखाई दे रही जो बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में होनी चाहिए, बट उनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है खुद पे, और हमको भी लग रहा है कि वो अच्छी प्लेसिंग ला सकते हैं उनकी कैटेगरी में दोस्तों, और शायद गोल्ड भी लेके आ जाए, क्योंकि कम वेट की कैटेगरी में वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो शायद गोल्ड भी आ सकता है उनकी कैटेगरी में दोस्तों। आपको क्या लगता है इनकी फिजिक देख के क्या इनको गोल्ड मेडल मिलेगा, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों। अब बात करते हैं तरुण गिल की। तो तरुण गिल जी तो स्टार ही बन चुके हैं दोस्तों शेरू क्लासिक में, एक कंप्लीट एथलीट। आप इस फोटो में स्पेशली उनका मिड सेक्शन देख सकते हैं, जो सबसे ख़राब बॉडी पार्ट लग रहा था वो अभी सबसे अच्छे बॉडी पार्ट में, पावरफुल ताकतवर बॉडी पार्ट में दिख रहा है दोस्तों। उनका ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, उनका एक्साइटमेंट देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके गाइस, सो इट्स ऑफिशियल, मैं खेल रहा हूँ मेंस फिजिक एमेच्योर ओलंपिया। ये रहा मेरा पीछे स्टेज, यहाँ पे मैं अभी जैसे कहते हैं ना हाइट वाइट दे चुका हूँ, आप देख सकते हो। दिस इज गेटिंग रियल सीरियस नाउ, एमेच्योर ओलंपिया में खेल रहा हूँ गाइस, सो आना ज़रूर। कल मुझे कम्पीट करता था एक बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में, जहाँ ये चीज़ें उतरेंगी और आप देखोगे द रियल मी। और हाँ, कुछ भाई लोग थे हमारे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, कि जो कह रहे थे कि तरुण गिल आखिर में नहीं आएंगे, कुछ प्रॉब्लम बता देंगे, कुछ भी बहाना बना लेंगे और स्टेज पे नहीं आएंगे। बट उन्होंने ऑफिशियली जो रजिस्ट्रेशन का जो पेपर था वो तक दिखाया, उस पर नाम उनका और मेंस फिजिक कैटेगरी का दोस्तों। तो अभी ये पूरा कन्फर्म है कि वो आने वाले स्टेज पर, और
मेहनत के लिए तो सल्यूट बनता है दोस्तों, इनका इनके मेहनत के लिए एक कमेंट तो जरूर करना दोस्तों। अब आगे देखिएगा आप मनोज पाटिल की उनकी कुछ बातें। तुम रास्ते पूछते नहीं हो, तुम रास्ते बनाते हो। हाँ भी बहुत वो कर रहे दोस्तों, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन खराब हो गया, जा ही नहीं पा रहा हूँ। ये दुकान सारे खराब हो गया भाई। हाँ हेलो 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 हाँ हेलो हेलो दो मिनट मालूम क्या था आपको? बहुत बहुत बधाई हो। हाँ 5 मिनट बहुत अच्छा आपने टॉपिक दिया। इस ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे मूड दिल्ली वो एज स्टेज पे देना का प्रोग्राम देखा। आपको मेरे लिए बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था आपका, और इम्प्रूव होगा मुझे लगता है। आपने इम्प्रूव किया भी होगा डेफिनेटली। आपको अपनी मुंबई में हो तो आई होप कि आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को, सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, और लाइक इस वीडियो को ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।